ए को लेकर खास बातचीत की, उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सीए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, हमारे साथ जो है पर्यटन मंत्री हैं, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया और विपक्ष लगातार हम पर हमलावर है, जिसके साथ ही अगर बात करें वैसी की तो कह रहे हैं कि आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं। देखिए पोलराइजेशन तो वैसे ही मोदी के साथ है, पूरा देश साथ खड़ा है, पोलराइजेशन तो हो चुका, चुनाव हो चुका, चुनाव के परिणाम जनता ने देश की निर्णय ले लिया, तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी की को देश की बागडोर सौंपने का कोई इसमें शंका सभा नहीं है, लेकिन चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कभी पंचायत चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी राज्यसभा का चुनाव, कभी स्थानीय निकाय के चुनाव, चुनाव तो एक सतत प्रक्रिया है लोकतांत्रिक देश में होती रहती है, लेकिन क्या चुनाव की अगर होंगे तो कोई निर्णय लेने से सरकार बंद कर देगी क्या? लोक हित के निर्णय, जनहित के निर्णय, मानवता के हित के निर्णय, ये तो बहुत बड़ा मानवता और करुणा और दया का निर्णय है, तो निरीह पीड़ित जो हमारे तमाम समाज के लोग दूसरे देशों से विस्थापित होकर के दुखी होकर के पीड़ित होकर के हमारे देश में पड़े थे, जिनके बच्चे का भविष्य, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो पा रहा था, उनको एक मौका मिला है, उन्हें स्थायी नागरिकता दे करके हम अपने में शामिल करेंगे और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होगा, पिछली बार बहुत सारे प्रदर्शन हुए, दंगे तक की स्थिति आ गई, इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है? कोई दंगा नहीं होना, पत्ता नहीं रहेगा, अब निश्चिंत रहिए, कोई दंगा नहीं, कोई बवाल नहीं, ये योगी जी की सरकार है, यहाँ राम राज की परिकल्पना के साथ समाज का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, भाईचारा कायम रहेगा, कानून का राज रहेगा, यहाँ कोई दंगा संगा होने वाला नहीं है, दंगा जो करेगा या दुस्साहस करेगा उसकी खैर नहीं। ठीक है, हमारे साथ पर्यटन मंत्री है, पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में दंगे की स्थिति नहीं पैदा होगी, जो दंगा करेगा उसकी खैर नहीं, और कानून जो है ये दरअसल नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। लखनऊ से उड़ने सफल के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। तो नारे